मैं आप लोगों के बीच में आज वोट की अपील करने आया हूं, और भगवान की कृपा से मैं ऐसी पार्टी का उम्मीदवार हूं जो देश को जोड़ने का काम करती है, जिनका सपना है कि भारत को परम वैभव किस प्रकार से लेकर जाया जा सके। और उस वोट के नाते जब मैं आपके अपने बीच का हूं सकते, क्योंकि आप देश का भविष्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति हो, और यदि मेरे जैसा बना ना, मैं भी देश के भविष्य बनाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देने वाला हूं। मैं बड़ी ईमानदारी से आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं, मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया हूं, मैं राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए आपके बीच में आया हूं, यहां विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। मैं ऐसा कुछ करने के लिए आया हूं कि लोग मेरे जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि 2024 में यहां से कोई विधायक बना था और उसने यहां की जो व्यवस्था में परिवर्तन किया है, मैं इसलिए आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं। और एक बात और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं, यदि मैं 5 साल आपके उम्मीदों पर खरा ना उतरू ना, 2029 में आप लोगों के बीच में वोट मांगने नहीं आऊंगा। भरी पंचायत में कह रहा हूं, भरे सबके बीच में आप लोगों को कह रहा हूं, पढ़ी लिखे क्लास के बीच में कह रहा हूं, लेकिन मेरे को आपके 12-13 दिन चाहिए। जो जो 12-13 दिन मुझे देंगे एक बार हाथ खड़ा करेंगे, मांगे ले रहा हूं, उधार ले रहा हूं, ब्याज समेत वापिस लौटाऊंगा। आपका धन्यवाद। आप 12-13 दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार और प्रसार करना, 5 साल मैं आपका वकील बनकर विधानसभा में आपकी आवाज उठाऊंगा। और एक बात और बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट मुझे नहीं दी भाई, ये असंध विधानसभा के 36 समाज के लोगों को दिया भाई, सभी जाति बिरादरी की टिकट है भाई, व्यापारी की टिकट है, ये कर्मचारी की टिकट है, ये टिकट किसान की है, मजदूर की है, ये हरेक वर्ग की टिकट है जी, है क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ तो मैं कहीं ना कहीं मैं व्यापारी भी हूं, मैं शिक्षक दृष्टि से आपके बीच का भी हूं ना, और व्यापार की दृष्टि से भी मैं कहीं अर्थ का काम भी छोटा मोटा है मेरा, रिंसिपल मास्टर का। तो कहीं ना कहीं जब मैं किसान का बेटा हूं तो मजदूरी का काम भी है ही है, जब मैं एक किस्म से हल और ट्रैक्टर चला सकता हूं तो कहीं ना कहीं मैं हर वर्ग में अपनी मेरी अलग से भूमिका है। तो मैं केवल और केवल आपका ज्यादा समय ले लेता हुआ इतना ही कहूंगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं कि आप 12-13 दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार और प्रसार करें, जिससे कि असंध विधानसभा से एक बड़ा कमल खिलकर नायब सैनी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होकर आप लोगों की आवाज बने। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग इतने सक्षम हो कि आप लोगों को जो समझाने की बात है समझा सकते हो। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप अब मेरा साथ दें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और उसके बाद 5 साल आपकी चिंता मेरे पे छोड़ दो। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से जो कार्यक्रम का आयोजन आज उन्होंने किया है, जितने भी है मेरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जो साथी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सभी प्रिंसिपल साहब जो आए हैं उनका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी अध्यापकगण जितने भी आए हैं उनका भी धन्यवाद। और मैं इतना और कहना चाहूँगा कि आपके साथ, आप ही के बीच में हमेशा काम करने वाले ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, अपना जो क्लरिकल स्टाफ है और बच्चे हैं, जिस दिन जिस बच्चे ने अपनी मम्मी को जाकर कह दिया ना कि हमारे वो खड़े हुए हैं हमारे स्कूल के, कोई कुली, कोई फलाना, कोई डिमका,
और जिस दिन शोकंद ने और रिछपाल मास्टर ने भी कह दिया ना भी हमारे बीच का बंदा खड़ा होगा, तो इलेक्शन का माहौल ही कुछ और। अब तो केवल और केवल एक बात और बताता हूँ, हम बिल्कुल जीते हुए हैं, कमल खिला हुआ है, कमल का साइज में बढ़ाने की बात है, वो बढ़ाना आपके हाथ में, आप कितना बड़ा कमल खिला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र सिंह राणा भाजपा प्रत्याशी असंध विधानसभा को सम्मानित करते हुए सम्मान की प्रक्रिया यहां पर चलते हुए